भारत के एक बहुत ही शांत रहने वाले मित्र ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। भारत के इस मित्र देश ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दे दिया कि अगर किसी हाल में रूस का हथियार छोड़ेंगे तो सीधे सीधे भारत का हथियार खरीदेंगे। जी हाँ, भारत का यह मित्र है वियतनाम। जैसा कि वियतनाम भारत का एक ऐसा मित्र है जिसे भारत पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। भारत और वियतनाम की दोस्ती भले ही बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहती, लेकिन यह दोस्ती काफी मजबूत है। भारत और वियतनाम के दोस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वियतनाम को अपने पक्ष में लाने के लिए अमेरिका ने कई बार भारत की कूटनीतिक सहायता मांगी। अमेरिका लंबे समय से वियतनाम को अपने हथियारों के पक्ष में लाना चाहता है। जैसा कि अमेरिका ने भारत पर भी रूसी हथियार को छोड़ने का दबाव बनाया, ठीक वैसे ही अमेरिका ने वियतनाम पर भी रूसी हथियारों को छोड़ने का दबाव बनाया। अमेरिका चाहता है कि वियतनाम यहां से रूसी हथियारों को छोड़ दे, क्योंकि अमेरिका हथियारों के अच्छे विकल्प देगा। लेकिन अब यहां पर अमेरिका को वियतनाम ने तगड़ा झटका दे दिया। वियतनाम ने स्पष्ट किया कि वह लंबे समय से रूसी हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जैसे भारत लंबे समय से रूसी हथियारों का आयातक रहा है, ठीक वैसा ही हाल वियतनाम का भी है। लेकिन जैसा कि भारत अपने खुद के हथियार बनाने लगा, किंतु वियतनाम अब भी रूसी हथियारों के भरोसे है। हालांकि रूस लंबे समय से युद्ध में फंसा है, ऐसे में अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाकर वियतनाम को अपने हथियारों से लुभाने का प्रयास किया। लेकिन वियतनाम ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए भारत के हथियारों की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। दरअसल वियतनाम ने अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने का फैसला किया है, और इसके लिए वियतनाम ने अपने प्राथमिकताओं के लिस्ट में भारत को शामिल किया। भारत पहले से ही वियतनाम को कई सारे सैन्य उपकरण की सप्लाई कर रहा है, लेकिन अब तो वियतनाम ने भारत के सबसे चर्चित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्चर को खरीदने में रुचि दिखाई है। यानी कि भारत का पिनाका मल्टीपल बैरल रॉकेट को खरीदने वालों के लिस्ट में अब से वियतनाम भी शामिल होगा। यहाँ पर वियतनाम का भारत के पिनाका रॉकेट को खरीदने का मुख्य उद्देश्य रूस के पुराने हो चुके मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को बदलना है। वहीं भारत और वियतनाम के बीच में लगभग 625 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइलों पर भी चर्चा हो रही है। यानी कि वियतनाम ने अमेरिका को यह बता दिया कि रूस अगर युद्ध में फंसा है तो इसका फायदा अमेरिका को नहीं होगा, क्योंकि वियतनाम के लिए भारत भी हथियारों का एक अच्छा विकल्प है।